हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डेट है 17 सितंबर 2019। दोस्तों, वीडियोस जुड़ा पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। किस देश के साथ भारत ने चंद्र मिशन के संबंध में नोट्स का आदान प्रदान करने की योजना बनाई है? नोट्स मतलब कि जो भी यहाँ पर परिचालन हो रहा है चंद्रयान 2 में, जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं इनके बारे में आपसे समन्वय स्थापित करने के बारे में, तो ये हो रही है इसराइल की स्पेस एजेंसी जो है उसके साथ। एंड अगर इसराइल की स्पेस एजेंसी की बात आई है तो इसमें है क्या, इसराइल की स्पेस एजेंसी फॉर्म हुई थी 1983 में, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव इसराइल में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, एंड चलिए आगे हम चलते हैं इसराइल के मैप की तरफ। कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है न्यूसेगल, एंड प्रेसिडेंट हैं रेविन ट्रिवलिन, एंड पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं तो मे भी शायद पीएम यहाँ पर बदल जाएं आपके। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म खोला है? तो दोस्तों, यह कंट्री है वियतनाम। वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म खोला है। वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है, जो सालाना 688 मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है वियतनाम की तरफ से। मैप की तरफ एक बार चलते हैं वियतनाम के। दोस्तों, कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्रेसिडेंट हैं न्गुयेन फू ट्रोंग, एंड पीएम हैं न्गुयेन जून हुक। एंड दोस्तों, आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 24वें ऊर्जा विश्व ऊर्जा कांग्रेस का विषय क्या है? तो दोस्तों, ये जो 24वां विश्व ऊर्जा है ये अबू धाबी में 9 से 12 सितंबर 2019 को मनाया गया। एंड दोस्तों, जो इसका जो मेन विषय है एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी, यही इसकी थीम है। एंड इसको आप याद रखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर यूएई की आई है अबू धाबी, तो इसके बारे में जानना हो सके तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी, ये तो पता चल ही गया। करेंसी दिरहम है, एंड प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, एंड पीएम है मोहम्मद बिन रसीद अल मखतूम। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में विश्व के किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। रैंकिंग में शीर्ष 3 अमेरिकी विश्वविद्यालय सभी ऐतिहासिक रूप से प्रौद्योगिकी केंद्र संस्थान हैं। कैलटेक और एमआईटी के साथ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चौथे स्थान पर है, पिछले साल तीसरे स्थान पर था। ये वे यूके के शीर्ष ऑलराउंडरों में अब शामिल हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने फिर से नंबर एक पर अपना स्थान स्थापित किया है, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे से नीचे आ गया है, दूसरे से नीचे आ चुका है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर यूएसए की मैप की तरफ चलते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन, करेंसी यूएस डॉलर है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किसने 2 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों, यह पुरस्कार जीती हैं नीना गुप्ता जी ने। बॉलीवुड अभिनेता नीना गुप्ता को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन में 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री ने विश्व प्रसिद्ध शैव विकास खन्ना के निर्देशन में पहली फिल्म द लास्ट कलर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, द लास्ट कलर आप देख सकते हैं, यही है। एंड ये हैं नीना गुप्ता जी। निम्नलिखित
में से किसने अपने 22वें विश्व बिलियर्ड्स खिताब को जीत कर क्यू स्पोर्ट्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाने वाले हैं पंकज आडवाणी जी। ठीक है, पंकज आडवाणी ने हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 में अपना 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। यह आडवाणी का बिलियर्ड्स लघु जिसका प्रारूप है लगातार चौथा विश्व खिताब ये इन्होंने जीता हुआ है। पंकज आडवाणी ने क्यू स्पोर्ट्स में दुनिया में किसी से भी अधिक विश्व खिताब जीतने वाले ये व्यक्ति हैं जो उन्हें अब तक का सबसे महान नागरिक साबित कर देता है। तो आप इनके रिकॉर्ड्स भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने नलमाला वन क्षेत्र में प्रस्तावित यूरेनियम खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? ये बहुत ही हाईलाइटेड मीडिया का मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत ही हाईलाइट हुआ है, तो देखते हैं, ट्रेंड भी चलाता है इसके प्रति। तेलंगाना, इसका सही ऑप्शन है तेलंगाना राज्य विधानसभा ने 16 सितंबर 2019 को सर्वसम्मत से नलमाला वन क्षेत्र में प्रस्तावित यूरेनियम खनन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह यह कहते हुए क्षेत्र में यूरेनियम खनन के प्रस्ताव को वापस ले ले कि इससे नलमाला और उसके आसपास के इलाकों में जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये है यूरेनियम कंटेमिनेशन को लेकर पूरी ये चीज़ है, एंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। तेलंगाना की बात हो रही है तो थोड़ा इसके मैप की तरफ हम चाहते हैं। कैपिटल है हैदराबाद, CM है कल्वेकुंतला चंद्रशेखर राव, एंड गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7, एंड लेजिस्लेचर में 119 सीटें हैं। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। फोक डांस है पेरिनी तंदवम, एंड नेशनल पार्क है मुरगाविनी नेशनल पार्क। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस कांग्रेसी नेता को जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए अनुमति दी है? तो आप जान रहे हैं दोस्तों बहुत ही हो हल्ला सबने मचाया था, एंड उन्हीं में से गुलाम नबी आज़ाद जी को ये आज़ादी मिली हुई है। 16 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को लोगों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी है। CJI जो इस टाइम है रंजन गोगोई ने नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच और जस्टिस SA बोबडे और S अब्दुल नज़ीर ने आगे स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस नेता राज्य में कोई राजनीतिक रैली नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने फिर भी इनको मान्यता दी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम अपने मैप की तरफ आते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो नया मैप है ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, एंड लद्दाख को आप दूसरी यूनियन टेरिटरी के रूप में देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, केंद्र ने अगले 5 वर्षों में ECGC को कितनी निधि प्रदान करने की संकल्प लिया है? तो दोस्तों यह संकल्प है 8,500 करोड़ रुपए का। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अगले 5 वर्ष में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 8,500 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जी की पीयूष गोयल जी की तरफ से योजना है, एंड देखना होगा कि इन पैसों से और भी क्या क्या इसमें बदलाव देखने को हमें मिलते हैं मार्केट की तर्ज पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हैं जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी जी। जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ अपनी ली है। जस्टिस रेड्डी अगले 5 वर्षों के लिए अपना ये पद संभालेंगे। वह 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से पदभार संभालने वाले पहले लोकायुक्त हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी इनकी गौरवान्वित करने वाली बात है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से जुड़ी बात है तो थोड़ा मैप की तरफ भी चलते हैं। कैपिटल है अमरावती, CM है YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंदन, एंड राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा 25, एंड लेजिस्लेचर में 176 सीटें। लोक नृत्य कुचिपुड़ी, नेशनल पार्क है
श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो दोस्तों BW कैंपस के साथ जुड़े रहें, अपनी करंट अफेयर को मजबूत करें, बाकी मेनी मोर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, नेवर गिव अप। Never give up.